इस बार जो बस स्टैंड चेंज किया गया है, ये माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड साहब, ये रोडवे डिपो में किया गया है, सूरज कुंड के पास है, ये गायत्री मंदिर के सामने पड़ता है। कहाँ के लिए? यहाँ से हरदा, होशंगाबाद, गुड़ी, देड़तली, खार, खालुआ की बसों का संचालन हो रहा है, और उधर से जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं वो यहाँ उतरते हैं, और उनको फिर सिटी में जाना है या दूसरी बस पकड़ना है उसके लिए अब अपने मनमाना किराया ऑटो में भी लग रहा, कोई 20 ले रहा एक सवारी के, कोई 30 ले रहा, और सिंगल आदमी जाता तो उससे 50 रुपये लेते हैं कि उसको दूसरी बस पकड़ना जाके उसकी बस निकल जाएगी। इस प्रकार से उसको बस के किराए से ज़्यादा ऑटो के किराए का बोझ पड़ रहा, इसलिए आज जनता परेशान हो रही है। और यहाँ पे भी स्टैंड है, यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी ना कोई पानी है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है, ना यहाँ से 5-25 कदम दूर ना कोई सुलभ शौचालय है कि कोई पैसेंजर कोई इमरजेंसी कुछ लग जाए तो आदमी कहीं जा नहीं सकता। यहाँ भी कहीं इधर उधर जाए तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कुछ लाइटिंग वगैरह होना चाहिए। अभी 6-7 बजे के बाद यहाँ वीरान हो जाएगा, 6 बजे के बाद वैसे ही दिन छोटे होने वाले हैं, 6 बजे के बाद यहाँ कोई दिखेगा भी नहीं सर। उसके बाद क्या व्यवस्था करना चाहिए? सवारियों के लिए सब व्यवस्था, पानी आने की, लेटरिन बाथरूम की, किराए के लिए कुछ सीमित किराया रहे, कोई ऑटो वालों को बिल्कुल सीमित बना दिया जाए कि नहीं इतना ही किराया लेना है आपको। 6 बजे के बाद फिर सब बस वाले रोड पे जाएंगे सर, फिर वहाँ जाम लगेगा। मैं नए बस स्टैंड से ऑटो चलाता हूँ, नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक 20 रुपए लेते थे, लेकिन ये बस स्टैंड और एक नया बनने के कारण हम लोगों ने वहाँ से यहाँ तक का किराया भी 20 रुपए रखा। इसके बीच में हमने 10 रुपए नहीं एक्स्ट्रा करा क्योंकि पब्लिक परेशान हो, इसके लिए हमने वहाँ से डायरेक्टली किराया यहाँ तक का 20 रुपए ही रखा ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर्सनली आना चाहता है तो फिर पर्सनली तो कितने का भी ऑटो कर सकता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने का ऑटो करना है। अब सभी आदमी अगर एक जैसा चलेंगे तो फिर क्या होगा? डीजल 100 रुपये लीटर है, लोग बोलते हैं कि बस हमको जल्दी जाना है तो फिर पर्सनल ऑटो करके जा सकता है, और अगर जिसको शेयरिंग में आना है तो फिर वहाँ से 20 रुपये ये वाले बस स्टैंड तक का है, पुराने तक का। लेकिन अब हमने हरसूद बस स्टैंड तक भी 20 रुपये रखा उसको, और अगर वहाँ से अगर आदमी पुराने बस स्टैंड उतरना चाहता तो भी उसको 20 रुपये ही लगता है। रेट तो है ना साहब दोस्त, रेट तो है 10 रुपये रेट। हम तो खुद ऑटो वाले बोल रहे कि हम 10 रुपये सवारी लाएंगे, एक प्रति बंदे का सवारी हम लाएंगे, कम से कम 3-4 सवारी लाएंगे कम से कम, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हम भी छोटे छोटे हैं बच्चे हैं तो उनको भी पालना पोषण करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, गाड़ी के किराए से चलाते, कोई एंटी चलाता, किस्तें भरना पड़ती, गाड़ी की सब करना पड़ता, सबका मेंटेनेंस निकालना पड़ता गाड़ी से लेकर सब दूर तक। देखो भाई साहब, आपको पर्सनल आना हो तो पर्सनल का पैसा देना पड़ेगा, ऑटो किराया का देना पड़ेगा। अगर आप सेविंग में आओगे तो सेविंग का पैसा लेके इस बस स्टैंड से उस बस स्टैंड जाओगे 10 रुपये किराया लगेगा। अगर आप पर्सनल करोगे, घर से बुलाओगे ऑटो, तो घर का किराया भी हम भी लेना पड़ेगा, हमको जिससे पेट्रोल डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप घर पर बुलाते 10 रुपये लेंगे। तो पुराने बस स्टैंड से अगर आना हो सिंगल आदमी को, तो सिंगल आदमी को आना हो तो भैया 20-30 रुपये जो चार्ज लगेगा वो लगेगा सिंगल आदमी को, यहाँ से आने का। और शेविंग में आओगे तो 10 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, शेविंग में 3-4 सवारी जो भी हम बिठाए वो हम लेके आ जाएंगे। और आपको जल्दी हो, प्राइवेट आपकी बस निकलती है उसमें हमारी समस्या नहीं है, हम 10 रुपये में आपको ला नहीं सकते, क्योंकि हमको जेब से पेट्रोल लगता है, पेट्रोल 112 लीटर है, तो कम से कम को टूटी ऑयल मिला के हमको 125-30 रुपये पड़ता है। खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।